तो बताते हैं आपको क्या है अमेरिका में ट्रंप की चुनावी जीत के मायने। अगर इसे कुछ लोग राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी राजनीति के उभार के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये वोक कल्चर के खिलाफ एक सामाजिक पुशबैक है, यानी तथाकथित लेफ्ट लिबरल लॉबी वाली सोच को अब वोटर्स नकार रहे हैं। साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में मुद्दे, प्रचार का अंदाज और डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस का मिजाज, इन सब को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगेगा मानो भारत के ही चुनाव का पूरा माहौल अमेरिका में शिफ्ट हो गया हो। अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप का नारा था अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हूबहू वैसा ही है जैसे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का नारा था इंडिया फर्स्ट, विकसित भारत। इस नारे के जवाब में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपना पूरा चुनाव प्रचार इस बात पर केंद्रित कर दिया कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका में संविधान और लोकतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कुछ सुना सुना सा लगता है ना, क्योंकि भारत में भी कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था, संविधान खतरे में है, अगर मोदी राज आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। भारत में बीजेपी का भी बड़ा चुनावी मुद्दा घुसपैठ रहा है, पश्चिम बंगाल, असम और अब झारखंड के चुनाव में भी बार बार इस मुद्दे की बात की जा रही है कि कैसे घुसपैठिए भारत के अंदर घुसकर भारतीयों के हक पर, उनके जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसको लेकर के सियासी पारा गर्म है। चुनाव प्रचार एक जैसा, मुद्दे एक जैसे और चुनावी आरोप प्रत्यारोप भी एक ही जैसे, चुनाव का नतीजा भी एक जैसा ही रहा। भारत में तथाकथित लिबरल उदारवादी राजनीति करने वाले विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद की लहर रोक नहीं पाए। अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका की राजनीति में स्विंग वोटर्स यानी कि जो वोटर किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े थे उनको अपने पाले में करने के लिए कमला हैरिस ने पूरे हॉलीवुड को अपने समर्थन में उतार दिया। बियॉन्से नॉइस, जेनिफर लोपेस, कार्डी बी, हैरिसन फोर्ड, स्कारलेट जॉनसन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डिनीरो, सब कमला हैरिस के साथ थे, लेकिन अमेरिका के आम लोगों का समर्थन था ट्रंप के साथ। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा कमला हैरिस के स्टार पावर पर भारी पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को जिन मुद्दों पर अमेरिका के लोगों ने भर भर कर वोट दिए वो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे। ट्रंप ने अमेरिका में महंगाई और आर्थिक बदहाली को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने टैक्स की दरों में कटौती का वादा किया। यही उनका चुनावी ट्रंप कार्ड था जो अमेरिका के आम लोगों के दिमाग में बैठ गया। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक 67% लोगों ने ट्रंप के इस आरोप का समर्थन किया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बदहाल है, जबकि सिर्फ 32% लोग ही कमला हैरिस के दावे से सहमत थे कि आर्थिक हालत अच्छी है। ट्रंप पर व्हाइट सुप्रीमेसी और ईसाई कट्टरपंथियों को उकसाने का आरोप 2016 से ही लगता रहा है। इस बार भी कमला हैरिस के समर्थकों ने ट्रंप को उनकी कट्टरता पर घेरने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप का जनाधार फिर भी कायम रहा। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक ट्रंप को 62% प्रोटेस्टेंट ईसाइयों और 56% कैथोलिक ईसाइयों ने वोट दिए। अमेरिका की आबादी में इन दोनों समुदायों की हिस्सेदारी 64% है। अमेरिका के 71% व्हाइट यानी कि गोरे रंग के लोगों में से 53% का समर्थन ट्रंप के साथ था, जबकि कमला हैरिस को सिर्फ 43% व्हाइट लोगों ने वोट किया। अमेरिका के कस्बाई यानी कि सबर्बन और ग्रामीण इलाकों में ट्रंप को जबरदस्त समर्थन मिला। सबर्बन में 50% और रूरल अमेरिका में 63% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। अमेरिका की 70% आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है। तो अगर आप भारत के परिपेक्ष में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे शहर और गांव के लोग हैं वो ट्रंप को वोट डाल रहे हैं, जबकि जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं LA, कैलिफोर्निया, जैसे कि मुंबई, दिल्ली है, उन्हीं लोगों का वोट कमला हैरिस की पॉलिटिक्स को मिला। अमेरिका में ईसाई और व्हाइट सुप्रीमेसी की राजनीति ट्रंप ने खुलकर की, जो उनका कोर वोटर है। कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के अरब मुस्लिम वोटर भी इस बार नाराज हो गए। इसको भी ट्रंप ने अच्छे से भुनाया, अमेरिकी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने मंच पर बुलाया।
बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे हमलों का मामला भी उनकी ही बदौलत अमेरिका के चुनावी चर्चा में आया, यानी कि मिशिगन जैसे इलाकों में उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को जाकर के लुभाने की कोशिश की और जो हिंदू वोटर्स कई स्विंग स्टेट्स में थे उनको उन्होंने अपने पाले में लाया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा के। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं आई लव हिंदूज और इस बार कह रहे हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सबका साथ सबका विकास है? वैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 4 तस्वीरें पोस्ट की और साथ में लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको ऐतिहासिक चुनावी विजय पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को नया आयाम देने के लिए उत्सुक हूं। और आगे की लाइन पर ध्यान दीजिए, उन्होंने किन मुद्दों को अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा, आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हम काम करें। शांति, स्थिरता और समृद्धि। पीएम मोदी की इस बधाई को आगे बढ़ाते हुए इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद राम माधव ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का बड़ा दिलचस्प विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, इस चुनाव में ट्रंप की जीत 2016 की उनकी जीत से भी बड़ी है। उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं हासिल किया बल्कि पॉपुलर वोट में भी उनको बहुमत मिला है। ये साफ संकेत है कि अमेरिका के लोगों ने एनजीओइज्म, वोकिज्म और मल्टीनेशनलिज्म के खिलाफ वोट दिया है। राम माधव ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को एनजीओवाद या फिर तथाकथित लेफ्ट लिबरल सोच की हार क्यों बताया, इसका मतलब भी समझ लीजिए। राजनीति में एनजीओवाद का मतलब है उदारवाद की दुहाई देने वाली राजनीति। राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा से इसका सीधा टकराव भारत में भी देखा गया है और पूरी दुनिया में भी अभी ये चलन ही है, भले सही वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सबसे बड़ा संदेश भी ये है कि राष्ट्रवाद की राजनीति की लहर भारत और यूरोप से होते हुए अब अमेरिका तक पहुंच गई है। जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी भारत में लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचे, जिसे पूरी दुनिया में भारतीय राष्ट्रवाद की जीत माना गया। जून 2024 में ही फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए, जहां पहले दौर में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी नेशनल रैली को सबसे ज्यादा वोट मिले। 29 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रिया के संसदीय चुनावों में फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके ऑस्ट्रेलिया में नाजी राष्ट्रवाद का समर्थक कुछ लोग मानते हैं। ऑस्ट्रिया में नाजी राष्ट्रवाद का उन्हें समर्थक कुछ लोग उसे कहते हैं। इस साल जून में यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर रही। जर्मनी में साल 2025 में चुनाव होने हैं और वहां अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की लोकप्रियता राष्ट्रवाद के राजनीति के उभार का संकेत मानी जा रही है। यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की लहर का सिलसिला 2022 में ही शुरू हो गया था और ये शुरू हुआ था इटली से, जब ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जॉर्जिया मेलोनी सत्ता में आई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से किया, यानी कि अमेरिकी वोटरों से किया वादा करने का दबाव रहेगा। अमेरिकी वोटरों का वही दबाव दुनिया में बहुत कुछ बदल देगा, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर। कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने जीत के बाद अपने पहले भाषण में दे दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो पर निशाना साधते रहे हैं। माफ कीजिए, वो यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़कर चुनाव जीते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कमी आ सकती है। नेटो को यह डर पहले से ही है कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका से नेटो को मिलने वाले बजट में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में अमेरिका के गैर जरूरी खर्चों में कटौती का ऐलान भी
किया था। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए चीन के साथ टैरिफ वॉर छेड़ी थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर पहुंची। पहले कार्यकाल में ट्रंप का आरोप था कि चीन का माल अमेरिका आता है तो अमेरिका की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम वसूलती है, जबकि जो माल अमेरिका से चीन जाता है उस पर चीन बहुत भारी भरकम टैक्स लगा देता है। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसे टैरिफ वॉर कहा गया। चीन की नकेल कसने के लिए साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल की। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी क्वाड को एक्टिव कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से क्वाड की सक्रियता बढ़ना भारत की कूटनीति और रणनीति के लिहाज से बेहतर है, लेकिन ट्रंप की आर्थिक नीतियां भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा जरूर करेंगी। एक बड़ी आशंका यह जताई जा रही है कि ट्रंप भारत पर भी इंपोर्ट ड्यूटी की तलवार चला सकते हैं। ट्रंप इस बात का जिक्र अपने चुनाव प्रचार में भी कर चुके हैं कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी में अमेरिका से बड़ी वसूली कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों के बारे में ट्रंप क्या सोचते हैं, ये आप उन्हीं की जबानी सुनिए। ट्रंप ने यह बयान 10 अक्टूबर को डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की राजनीति के लहर के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सोच अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कई लोग हैं जिनको इसका ब्लोबैक सहना पड़ेगा, पर अगर इसका एक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल साफ है कि आप अपने देश के हित को पहले रखें। वो अमेरिका के लिए होगा अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और भारत के लिए है इंडिया फर्स्ट। इसका एक पहलू यह भी है कि इसी दौर में ब्राजील के दक्षिणपंथी जेयर बोल्सोनारो की सत्ता भी चली गई। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आई, तो आप यह भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड और फिर यूक्रेन युद्ध के बाद सत्ता विरोधी लहर चल रही है। शायद ये इसका भी नतीजा हो सकता है।